नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। बहुत जल्द भारत को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव 70 साल पुराने हैं और पहला चुनाव मई 1952 में हुआ था। तब से अब तक 15 चुनाव हो चुके हैं और आने वाले इलेक्शन 16वां चुनाव होगा। गणतंत्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को नेशनल सॉवरेंटी का एम्बोडीमेंट माना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यालय इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल नहीं, उनके पद की एक विशेष प्रकार की गरिमा होती है। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा इनडायरेक्टली किया जाता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज की प्रकृति यानी कैरेक्टर पद पर एक खास किस्म की लेजिटिमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत के आधार पर किया जाता है। ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से, नॉन पार्टीजन तरीके से कार्य करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बनाए रखेंगे। लेकिन दुख की बात यह है, इतिहास हमें बताता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता आया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब राष्ट्रपति ने महज एक रबर स्टैंप की तरह काम किया, ना कि एक स्वतंत्र हेड ऑफ स्टेट की तरह। पिछले 5 वर्षों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के टेन्योर में कोई ऐसी घटना नहीं देखने को मिला जब राष्ट्रपति के ऑफिस ने हमारे एग्जीक्यूटिव को राह या फिर दिशा दिखाई हो, जब फैसला बिल्कुल ही गलत था। ये बात चाहे फार्म लॉज, CAA, कोविड हैंडलिंग का हो या फिर अग्निपथ स्कीम का ही क्यों ना हो, भारत के संविधान में पर्याप्त एम्बिग्विटी है राष्ट्रपति के पावर्स को लेकर। इतिहास हमें बताता है कई प्रेसिडेंट्स दूसरों के तुलना ज्यादा असर्टिव रहे हैं। इस लिहाज से राष्ट्रपति कोविंद बिल्कुल भी सेल्फ असर्टिव नहीं थे। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, राष्ट्रपति के पैतृक गांव कानपुर देहात के पौरांख में एक फंक्शन आयोजित किया गया था, जिसमें उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का जिक्र मात्र 18 बार किया। कृपया प्रधानमंत्री मोदी के स्पेसिफिक रेफरेंस पर ध्यान दें। प्रेसिडेंट कोविंद ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों को सदैव इस बात का टीस रहता था कि इस राज्य ने देश को 9-9 प्रधानमंत्री तो दिए, लेकिन राष्ट्रपति एक बार भी नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ के एक निवासी को पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने का मौका मिला, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी आपको जाता है। तो सवाल यह है, क्या 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार के तौर पर कोविंद जी का चयन किसी एक व्यक्ति ने किया था या फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ था? क्या पार्टी फोरम्स में डिस्कशन के नाम पर मात्र एंडोर्समेंट हुआ था? हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति का चयन लेकिन प्रधानमंत्री के चॉइस के विपरीत हुआ था। उसी इवेंट में कोविंद जी ने आगे बहुत ही यूलोजाइजिंग टोन में मोदी जी की तारीफ की।
उन्होंने कहा, मैं पूरे देश का सौभाग्य मानता हूं कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल व सुखमय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी सदा प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने भारत माता की सेवा करने के अर्थ को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा और जन कल्याण की अवधारणा को नई सार्थकता प्रदान की है। क्या आप एग्री करते हैं कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बातें या ऐसे बयान देने चाहिए? सोचिएगा जरूर एक बार। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति लेकिन प्रधानमंत्री के प्रेफर्ड कैंडिडेट नहीं थे। भारत ने 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जब स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए पहली बार संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई थी। राजेंद्र प्रसाद को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उनके पक्ष में दो वैध नामांकन पत्र थे, पहला आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा सेकेंडेड। दूसरा फॉर्म के प्रपोजर और सेकेंडर थे हरे कृष्ण महताब और नंद किशोर दास। उनके चुनाव के बाद सब मेंबर्स ने इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, जय हिंद के नारे लगाए थे। ध्यान दीजिएगा, इनकिलाब जिंदाबाद, बात शायद आज गलत मानी जाती है। 3 साल तक बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। यह तय किया गया कि भारत 26 जनवरी 1950 को खुद को गणतंत्र घोषित करेगा। उस दिन से संविधान सभा भारत की प्रोविजनल संसद में तब्दील या फिर परिवर्तित हो जानी थी। उसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह लेकिन टेम्पररी अरेंजमेंट था, क्योंकि चुनाव मात्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने किया था। नेहरू चाहते थे सी राजा गोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि वे ऑलरेडी गवर्नर जनरल थे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सरदार पटेल और कांग्रेस पार्टी में भी राजेंद्र बाबू के लिए ज्यादा एक्सेप्टेंस थी। पहला राष्ट्रपति चुनाव 2 मई 1952 को हुआ और काउंटिंग 6 मई को हुई थी। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 4 उम्मीदवार थे, लेकिन सबसे गंभीर प्रतियोगी केटी शाह थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ऐसे वो पहले व्यक्ति थे जो संविधान में सेक्युलर शब्द चाहते थे। हालांकि नेहरू ने 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोनों के बीच मतभेद कई मुद्दों पर बने रहे, विशेष रूप से हिंदू कोर्ट बिल्स और राष्ट्रपति की शक्तियों और उनकी भूमिका पर। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और प्रेसिडेंट के उसके इनॉग्रल पर उपस्थित रहने के सवाल पर भी उनमें काफी मतभेद थे। राजेंद्र प्रसाद बाबू समाज में धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, जबकि नेहरू की मान्यता थी कि अल्पसंख्यकों को हिंदू बहुमत से बचाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतभेदों के बावजूद नेहरू ने 1957 में राजेंद्र प्रसाद के फिर से चुनाव में बाधा नहीं डाली और वे 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 1969 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव विवादास्पद हुए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1967 में तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के 2 साल के बाद ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति वी वी गिरी को इंदिरा गांधी ने
कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ खड़ा किया। पार्टी के वोटर्स को कॉन्शियंस वोट देने का कॉल दिया। वीवी गिरी चुने गए और भारत के पहले रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट बने। उनसे एक कदम और आगे फखरुद्दीन अली अहमद ने रखा और उनके द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की चर्चा अभी भी होती है। जुलाई 1977, उनके अचानक मृत्यु के बाद जब चुनाव हुए तब संजीवा रेड्डी एकमात्र कैंडिडेट थे। अब तक अनकॉन्टेस्टेड वही एकमात्र इलेक्शन रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी हार के बाद किसी को खड़ा नहीं किया। 1980 के इलेक्टोरल कमबैक के बाद 1982 में फिर प्रेसिडेंशियल पोल्स हुए तो इंदिरा गांधी ने फिर से एक पुतला खड़ा कर दिया। ज्ञानी जैल सिंह का चॉइस पंजाब में हो रहे एक्सट्रीमिज्म के कारण भी था, परंतु उनका जो बयान थे, कई सारे थे इनफैक्ट, संजय गांधी को रहनुमा कहना और ये कि इंदिरा जी के डायरेक्टिव पर अगर उन्हें झाड़ू भी उठाना के लिए कोई बोले तो वो उठाएंगे, बहुत कंट्रोवर्शियल हुए उनके ये स्टेटमेंट्स और प्रेसिडेंट के ऑफिस की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज किया। सिलेक्शन की प्रोसेस तो क्वेश्चनेबल थी ही, लेकिन इसके बावजूद जैल सिंह की प्रेसिडेंसी नोटेबल रही और उन्होंने इंदिरा जी और राजीव गांधी को अपने टोज पर रखा। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले राष्ट्रपति को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। इसी वजह ज्ञानी जैल सिंह इस घटना के बाद ज्यादा एसर्टिव हो गए, आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल सबवर्जन नहीं होने दिया और उनके डायरेक्टिव लगभग एक दशक बाद बोम्मई जजमेंट के रूप में एक टेनेट बन गया, यह कि ताकत की परीक्षण के लिए विधानसभा का फ्लोर ही सही या एकमात्र जगह है। जैल सिंह ने राजीव गांधी सरकार द्वारा लाए पोस्टल बिल पर राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया। अगर मैं प्रत्येक राष्ट्रपति की हर क्रिया का वर्णन करना शुरू कर दूं तो इसमें कई घंटे लगेंगे, लेकिन 13th राष्ट्रपति के आर नारायणन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण फैसलों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। फरवरी मार्च 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1996 में भी ऐसा ही हुआ था और उस वक्त के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, ये जानते हुए कि बीजेपी बहुमत नहीं जुटा पाएगी। नारायणन मैकेनिकली किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहते थे, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की पेशकश करने वाली प्रत्येक पार्टी से समर्थन के पत्रों पर जोर दिया। रिटन एश्योरेंस के बाद ही वाजपेयी को शपथ ग्रहण करने के लिए नारायणन ने आमंत्रित किया था। प्रेसिडेंट नारायणन ने एक तरह से ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया और भविष्य के राष्ट्रपति उसी सिद्धांत और प्रक्रिया द्वारा गाइडेड होंगे जब भी किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट नारायणन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तब था जब उन्होंने सरकार से हिंदुत्व के आइकॉनिक नेता वीडी सावरकर को भारत रत्न देने पर पुनर्विचार करने को कहा। जुलाई 2002 में गुजरात दंगों के कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। भले ही उन्हें बीजेपी ने खड़ा किया था, लेकिन उनका पहला काम गुजरात की यात्रा करना था। यह एक ऐसा निर्णय था जिस पर प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रीथिंक करने को कहा था, लेकिन कलाम अपने फैसले से नहीं डगमगाए थे। यूपीए के सरकार
बनने के बाद और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सामने आने के बाद कलाम ने बिल सरकार को वापस भेजा था। कलाम के एक्शन ने पुनः साबित किया राष्ट्रपति का पद कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से एक शक्तिशाली संस्था है, लेकिन बहुत कुछ मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। साथ ही प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की शक्ति भी महत्वपूर्ण है और वह राष्ट्रपति के बराबर है या नहीं, क्योंकि प्रतिभा पाटिल टावरिंग पब्लिक पर्सनालिटी नहीं थी। उनका कार्यकाल बिना किसी बड़े विवाद के बीत गया। कांग्रेस में रहने के बावजूद प्रणब मुखर्जी ने मोदी के साथ कॉर्डियल संबंध बनाए। मोदी के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी ने ऑर्डिनेंस राज के पिटफॉल्स को फ्लैग किया। इस मुद्दे सहित कुछ अवसरों पर मोदी को प्रणब बाबू ने कई बार आगाह किया। सभी राष्ट्रपति केवल इसलिए चुने गए क्योंकि उन्हें उस समय की सरकार का विश्वास था, लेकिन कार्यालय के साथ न्याय करने के लिए और इतिहास में हाई इंटेग्रिटी वाले राष्ट्रपति के रूप में गिने जाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन के बाहर अपने सिलेक्शन के लिए सरकार और प्रधानमंत्री के लिए कृतज्ञता बोध छोड़ के आना होता है। ज्यादातर राष्ट्रपतियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की नई क्षमताएं दिखाई हैं, लेकिन कुछ ने सर्विलिटी को अपनी पहचान बना लिया। हमने 2014 के पहले और बाद में भी ऐसा होते देखा है। ये तो आगे पता चलेगा कि भविष्य में क्या होगा। नमस्कार।